आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। इन सारे सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम अंग्रेजी में करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं दोनों का ही फार्मूला यहाँ पे दे देता हूँ। अगर दोस्तों ये सेंटेंस आप पॉजिटिव में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद में विल बी, फिर आप लगाएंगे एबल टू, और उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप निगेटिव में बोलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल नॉट बी, उसके बाद में लगाएंगे एबल टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी तो आप बोलेंगे आई विल नॉट बी एबल टू कम टू ऑफिस टुडे, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू ऑफिस टुडे। मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगा, इसको आप बोलेंगे आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल टुडे, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल टुडे। अगर आपको बोलना है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, या फिर आप बोलना चाहते हैं कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तो आप बोलेंगे यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस जॉब, यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस जॉब। अगर आपको बोलना है कि तुम ये रेस जीत जाओगे, तो आप बोलेंगे यू विल बी एबल टू विन दिस रेस, यू विल बी एबल टू विन दिस रेस। अगर आपको बोलना है कि वो ये एग्ज़ाम पास कर लेगी, तो आप बोलेंगे शी विल बी एबल टू पास दिस एग्ज़ाम, शी विल बी एबल टू पास दिस एग्ज़ाम। अब दोस्तों, आज का सवाल, मैं कल क्लास नहीं आ पाऊँगा, इसकी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं, जाते जाते वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।